नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज मैं फिर एक और न्यू वीडियो लेकर आई हूँ जो मैंने बेडरूम मेकओवर पर ही बनाई है। तो आप देख सकते हैं अभी मेरा बेडरूम कैसा है और मेकओवर करने के बाद ये बेडरूम कैसा लगेगा। तो ये मेरा लुक है जिसको मैं चेंज करके नया लुक देने वाली हूँ। मेकओवर करते हुए ये वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई हूँ, बट आफ्टर मेकओवर इट लुक्स अमेजिंग एंड सो ब्यूटीफुल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज के मेकओवर में मैंने थोड़ा सा इंडियन तड़का डाला है। एज सच मेरी बेडशीट पर कैमल प्रिंट था, तो मैंने उसी को देखकर इंडियन स्टाइल से ही डेकोरेट किया है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई आइडिया मिलता है अपने घर को डेकोरेट करने का, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा आइडिया सबसे अच्छा लगा। मेरी बेडशीट पर कैमल प्रिंट था, तो उसको ध्यान में रखकर मैंने ये बॉटल पर कैमल का डिजाइन बनाया है जिसको मैंने गॉन्ड आर्ट स्टाइल में बनाया है। आई होप आपको पसंद आएगा। और ये ब्यूटीफुल राजस्थानी कपल भी मैंने खुद ही बनाए हैं। अगर आप जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, तो आप वीडियो जरूर देखिएगा। आपका एक लाइक और एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है नई वीडियो बनाने। ये जो ट्रेडिशनल स्टाइल के डेकोर हैं, ये मेरी मम्मा ने मुझे गिफ्ट किए थे, बहुत सालों से मेरे पास हैं और ये मेरे डेकोर के साथ अच्छे से जा रहे हैं। मुझे तो ये डेकोरेशन बहुत ही पसंद आई है। इवन मेरे हस्बैंड ने भी कमेंट किया है कि अच्छा लग रहा है। तो प्लीज़ आप भी मुझे बताइएगा कि कैसा लग रहा है। एंड फिर मैंने मेरे पास जो मैंने रिसेंटली टोकरियाँ खरीदी थी, वो टोकरियों को मैंने एज अ वॉल डेकोर डेकोरेट किया है। ये कारपेट्स भी हैंडमेड कारपेट्स हैं जो मैं अभी लोकल शॉप से ही खरीद के लेके आई हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने जो भी डेकोरेशन करी है वो कैमल को ध्यान में रख के ही करी है। तो मैंने जितने भी शो आइटम्स रखे हैं, वो जितने भी मेरे पास कैमल्स थे वो मैंने रखे हैं और कैमल से ही मैंने उसको डेकोरेट करने की कोशिश करी है। तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल कैमल है, बहुत ही प्यारा कैमल है जो मैंने हाल ही में शॉपिंग किया है। और आप ये भी देख सकते हैं, ये भी कितना प्यारा कैमल है। एंड दीज आर टू स्वीट क्यूट कैमल आल्सो। एंड इंडियन तड़का दिया है तो लैम्प तो बनता ही है। मेरी फेरी लाइट्स खराब हो गई हैं, अगर इसके ऊपर मैं फेरी लाइट लगाती तो मज़ा ही आ जाता। ये मेरी इंडियन स्टाइल में मैंने डेकोरेट किया है। और ये जो रैक है, ये रैक भी मैंने खुद ही ने बनाई है। एंड मैंने एक प्यारा सा क्यूट सा कैमल बॉक्स बनाया है जो कि मैंने एज ए प्लांटर उसको यूज़ किया है। और ये बॉक्स का कलर कॉम्बिनेशन भी मैंने बेडशीट से मैचिंग ही लिया है, क्योंकि मुझे कुछ तो मैच करना था बेडशीट से। तो मैंने, आप देख सकते हैं, उसी से आइडिया लेके उसको प्यारा सा कैमल का लुक दिया है। कर्टन्स भी मैंने चेंज किए हैं, मेरे पुराने कर्टन्स ही इस बेडशीट के साथ मैच कर गए थे तो वही मैंने रखे हैं। और ये क्यूट सा जो लाइट है, ये मेरी खुद की बनाई हुई है जो कि मैंने खुद ही ये लाइट लैम्प बनाया है। एंड ये मैंने कुछ पेंटिंग्स बनाई हैं जो कि ट्रेडिशनल तड़के के साथ जा रही हैं। कैमल तो मैं नहीं बना पाई, लेकिन ठीक है, ट्रेडिशनल गोंड आर्ट स्टाइल है। ये मेरा ट्रेडिशनल स्टाइल में एक पोज था जो कि मैंने एज अ डेकोर उसको यूज़ कर लिया है और उसके अंदर बिल्स विल्स रखने के भी काम आता है। सो एज सच मेरा रूम डेकोरेटिव तो है ही सही, लेकिन साथ के साथ फंक्शनल भी है। क्योंकि जब भी हम डेकोरेट करते हैं हमारा रूम, हमको ये भी ध्यान रखना है कि डेकोरेशन इस तरीके से हो कि वो डेकोरेशन हमारे आराम में या हमें तकलीफ ना दे। तो मैंने उसी को ध्यान में रखते हुए मेरी डेकोरेशन इस तरीके से करी है जिससे मुझे एक फंक्शनैलिटी भी मिले। सो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है मुझे। इस बेडशीट का प्रिंट तो इतना अच्छा लग रहा है कि मैं क्या बताऊं। सो ये फाइनल लुक है मेरे रूम का। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। और अगर आप सबको पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे तो ऐसे ये वीडियो बनाने में बहुत ही मज़ा आया। इवन मैंने जो भी कुछ डेकोर किया है वो कैमल लुक को ध्यान में रख के किया है। एंड ये बेडशीट को आप अलग अलग तरीके से भी बिछा सकते हैं। ये बेडशीट का एक तरफ प्लेन है और एक तरफ प्रिंटेड है, तो आप उसको अलग अलग तरीके से बिछा सकते हैं, जैसे कि राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, अप एंड डाउन, क्योंकि एक तरफ ये प्लेन है। तो इस बेडशीट को आप अलग अलग तरीके से भी बिछा सकते हैं। और जब आप बेडशीट को अलग अलग तरीके से बिछाएंगे तो वो एक हर बार नया लुक देगी। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो थैंक यू सो मच। बाय बाय, हैव फन, लव।